अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग अनदर लीगल लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैन ऑल प्रॉपर्टी बी क्विथ। कैन ऑल प्रॉपर्टी बी क्विथ यानी क्या सारी जायदाद वसीयत की जा सकती है? क्या एक मुसलमान अपनी सारी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है? क्या मुसलमान अपनी सारी जायदाद को वसीयत कर सकता है? इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है और क़यामत के दिन, जब अगर हम क़यामत के दिन लाजमी इस चीज़ की बाजपुरस होगी, इस की लाजमी पूछ गुछ होगी जो हम इस दुनिया में करते हैं। इब्ने मसूद और अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत सल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के पांव अलहदा नहीं होंगे जब तक वो इन सवालात के जवाबात नहीं देगा। वो कौन से जवाब सवाल हैं? उन कौन सवालों के जवाब सबसे पहले देने पड़ेंगे? पहला सवाल तो ये है, उसने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी और उसने जवानी और जिस्म किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, और इसके अलावा उसकी दौलत उसने किस तरीके से अर्न की, अपनी दौलत को उसने किस तरीके से कमाया, अर्न किया, और किस तरीके से उसने अपनी दौलत को खर्च किया, और इसके अलावा और क्या किया उसने जिसके बारे में अल्लाह ताला चाहता है उसने किस तरीके से वो किया, किस तरीके से किया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। उस वक्त तक ये हदीस शरीफ है, क़यामत के दिन इंसान के पांव उस वक्त तक अलहदा नहीं होंगे जब तक इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। यानी क़यामत के दिन हमने क्या कमाया, क्या नहीं किया, अपनी जवानी, अपने जिस्म को किस तरह का यूटिलाइज़ किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। तो जो एक वसीयत है, जो एक दौलत है, उसको किस तरीके से हमने यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से किसको देना, ऑफकोर्स इन चीज़ों का बाजपुरस होगी, इन चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा। रकम और मटेरियल प्रॉपर्टी जो हमारी मलकियत है, चाहे वो मनी है, इसमें सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक अकाउंट है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी है और या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस दुनिया में ट्रस्ट फॉर अल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक ट्रस्ट है जो हमें क़यामत के दिन उसकी लाजमी उससे बाजपुरस होगी, उसकी पूछ गुछ होगी। तो अगर हम देखें, इस्लाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलीजन है, बहुत खूबसूरत मज़हब है। तो इस्लाम ये कहता है कि हम अपनी पूरी जायदाद को वसीयत नहीं कर सकते। पूरी जायदाद को वसीयत करने से इस्लाम मना करता है। इसलिए मना करता है क्योंकि आप एक लीगल हिस्स छोड़ के जाते हैं, आप अपने कानूनी वर्सा छोड़ के जाते हैं। अगर आप सारी प्रॉपर्टी किसी को वसीयत करके दे देंगे तो फिर कानूनी जो उसके आपके लीगल हिस्स हैं उसका हक मुतासिर होगा। तो इस्लाम ये नहीं चाहता। जो आपके पीछे वाली वारिस है, जो आपके लीगल हिस्स हैं, जो आपके एलआरज हैं, आप उनको महरूम करें। इस्लाम इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करता। वो ये नहीं चाहता कि हम अपने लीगल हिस्स को महरूम करके किसी तीसरे बंदे को, किसी चौथे बंदे को, किसी को भी हम अपनी प्रॉपर्टी वसीयत करके जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने लीगल हिस्स में वसीयत ना करें। लीगल हिस्स तो वैसे आपके वो हैं, हिस्सादार हैं उस प्रॉपर्टी में, आपके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आपकी लीगल हिस्स है। अगर वह वसीयत करनी है तो आप किसी और बंदे को करें, लीगल हिस्स को ना। लीगल हिस्स को तो वैसे शेयर्स है, हिस्सा है। तो नो बिक्यूथ मे बी मेड टू द हेयर, हेयर को नहीं की जा सकती। इस्लाम पहली बात तो ये कहता है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम की कि आप अपनी प्रॉपर्टी की 1/3 जो है वो उसको विल कर सकती हैं। अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा आप वसीयत कर सकती हैं। यू आर अलाउ टू बिक्विथ योर प्रॉपर्टी ऑफ 1/3। 1/3 हिस्सा से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को बिक्विथ नहीं कर सकते, आप वसीयत नहीं कर सकते। हाँ, 1/3 का हिस्सा आपका राइट है। आप किसी को, किसी भी थर्ड पर्सन को, चौथे बंदे को, किसी को भी, आपका कोई दूर का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो उस किसी को भी आप प्रॉपर्टी आप उसको वसीयत कर सकते हैं। और अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर कोई ऐसा करता है कि नहीं जी, मैं तो पूरी प्रॉपर्टी किसी को वसीयत करके जा रहा हूँ, अगर वो पूरी प्रॉपर्टी वसीयत करेगा तो उस प्रॉपर्टी की पूरी प्रॉपर्टी पर वसीयत लागू नहीं होगी, सिर्फ 1/3 हिस्से पर लागू होगी। बाकी जो हिस्सा होता है वो आपके लीगल हिस्स को मिलेगा। इसलिए आप पूरी प्रॉपर्टी को ना करें। अगर करते भी हैं, दैट विल बी कॉल्ड नल एंड वॉइड। वो कोर्ट उसको
डिक्लेयर इलीगल करा दे देगी, क्योंकि इस्लाम का जो सुनहरी असूल है कि 1/3 आप करें, 1/3 से अगर आप ज़्यादा करते हैं उसमें इफेक्ट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी कोर्ट उसको ख़त्म कर सकती है, उस वसीयत को ख़त्म कर सकती है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी आपने बिक्वीथ करनी है, आपने वसीयत करनी है, तो सिर्फ आप उस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर करते भी हैं तो वो लागू नहीं होगी। 2017 CLC 664 है, 2017 CLC पेज 664 है, इसमें यही कहा गया है कि आप 1/3 पर करें, 1/3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, वसीयत आप नहीं कर सकते। और बाकी जो है वसीयत आप करना चाहते हैं आप करें, लेकिन लीगल हेयर्स को नहीं करो, वो वैसे ही आपके हिस्सेदार हैं आपकी प्रॉपर्टी में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि क्या हम पूरी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकते हैं एक मुस्लिम, नहीं। हमने ये सीखा, ये हमने पढ़ा, ये हमने लेक्चर डिलीवर किया कि पूरी प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं की, जैसे ओनली 1/3 वो भी आपका जो लीगल हेयर्स है उसको नहीं, किसी और को आप कर सकते। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इससे साथियों में इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।